गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रॉबिन रेलर, आई विल टीच एंड डिस्कस विद यू डायरेक्टिंग। दिस इज़ अ न्यू चैप्टर ऑफ BST इन डायरेक्टिंग। नॉर्मली सबसे पहले जो आपको हमने प्लानिंग एक्सप्लेन किया, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद में आप डायरेक्टिंग होगा। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्टडीज, प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप्स ऑफ दिस बुक। नॉर्मली होता क्या है, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए प्लानिंग किया जाता है। प्लानिंग के साथ आपका ऑर्गेनाइजिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, स्टाफ का रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। और जैसे ही कोई कैंडिडेट एम्प्लॉई जब स्टाफिंग पे सिलेक्शन हो जाता है किसी का, उसके बाद आ जाता है आपका डायरेक्टर। तो डायरेक्टिंग में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि उसको जो वर्क करना है, किस प्लेटफॉर्म पे करना है, कैसे करना है, किस तरीके से किया जाता है, ये सब अकॉर्डिंग टू डायरेक्टिंग होता है। एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑफ फर्स्ट इज मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस, इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन, importance of supervision, functions of supervision, and after that motivation and leadership communications। ये इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर के, जो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्टली आई विल डिस्कस विद यू मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिंग। Directing functions of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees of the organization so that their efforts result in achievement of organization goal। Normally होता क्या है कि जिस platform पर किसी कैंडिडेट का employment किया जाता है, तो उस employment को instruct किया जाता है, guide किया जाता है, inspire किया जाता है, motivate किया जाता है कि जिस platform पर उसका appointment हुआ है, उस platform पर उस गोल को वो अचीव करें। लेकिन अचीव भी कर दें तो इफेक्टिवनेस के साथ किया जाए, विदाउट इफेक्टिवनेस ना किया जाए। आफ्टर द स्टाफिंग फंक्शंस द राइट पर्सन इज प्लेस एट द राइट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग की बात, जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया, राइट जॉब टू राइट पर्सन टू राइट टाइम, सही व्यक्ति को सही समय पर सही काम दिया जाए तो वो वर्क आपका इफेक्टिव हो जाता है। But actual work being only when these person get instructions from their supervisor। Directing does not mean only instructions, but it also including supervising the employees when they are performing the job, motivating them to perform more efficiently and leading them toward the achievement of organization goal। Definition and different authors। And the first one is directing is telling people what to do and seeing that they do it to be the best of their ability। NS Dale ने बोला ये। Next one is directing deals with the steps a manager does to get subordinates and other to carry out plans। Billions Newman। इसके बाद आता है आपका features। डायरेक्टिंग के फंक्शंस और फीचर्स क्या होते हैं, किस बिहा पे इस पर वर्क किया जाता है, किस बिहा पे इस पर जो हम वर्क करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑफ फर्स्ट वन इज डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग इनिशिएटिव एक्शन। अदर फंक्शंस प्रिपेयर वेज और सेटिंग ऑफ एक्शन, दैट इज हाउ एक्शन हैज़ टू बी कैरीड ऑन द डायरेक्टिंग इनिशिएट और स्टार्ट एक्शन। बाय गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शंस द मैनेजर गेट द वर्क स्टार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली होता क्या है, एक्शन एक आपका बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है डायरेक्टिंग का। जो भी किसी वर्क को इनिशिएटिव स्टार्ट करने से पहले एक्शन लिया जाता है। नॉर्मली किसी प्लेटफॉर्म पे आप वर्क करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो एक्शन पॉइंट होता है आपका। जब वर्क करते हैं स्टार्ट कर देते हैं, एक्शन पॉइंट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद है कंटिन्यूइंग फंक्शन। कंटिन्यूइंग फंक्शंस क्या होता है, डायरेक्टिंग इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। डायरेक्टिंग का मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में होता है, वर्क कंटिन्यूस चलता रहता है। आज ये काम हो गया, कल हमें किसी और के इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आफ्टर दैट फिर और इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, कंटिन्यूशन में वर्क होता है। डायरेक्टिंग का मेन मीन्स ही कंटिन्यूशन ऑफ वर्क होता है।
कभी डायरेक्टिंग में वर्क आपका स्कैप नहीं होता है, और यदि स्कैप होता है तो वहाँ डायरेक्टिंग मेन नहीं होता है। कंटेनिंग फंक्शंस का मतलब होता है आपका डायरेक्टिंग इज द कंटेनिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजर कैन नॉट जस्ट रेस्ट आफ्टर इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, ही हैज़ टू कंटिन्यूसली गाइड सुपरवाइज एंड मोटिवेट हिज सबॉर्डिनेट्स। नॉर्मली क्या होता है, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स को कंटिन्यूस टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है, उनके वर्क को सुपरवाइज करता रहता है और उनको मोटिवेट करता है जिससे कि उनका वर्क और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए और वो वर्क में लगे रहें। ही मस्ट कंटिन्यूसली टास्क स्टेप टू मेक श्योर दैट ऑर्डर द इंस्ट्रक्शंस आर द कैरी आउट प्रॉपरली, और नॉर्मली वो उसको अपने प्रॉपरली काम को करते रहें और अपना कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंड आफ्टर दैट डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एवरी लेवल, डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग इज अ पैसिव फंक्शंस एज इट इज़ परफॉर्म बाय मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। डायरेक्टिंग मतलब ये होता है कि ऑल लेवल्स पे काम करता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्गनाइजेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ बीएसटी, ऑर्गनाइजेशन डिवाइड बाय 3 पार्ट एंड आउट ऑफ फर्स्ट वन इज टॉप पार्ट, सेकंड वन इज मिड एंड थर्ड वन इज लोअर पार्ट। तो डायरेक्टिंग आपका नॉर्मली तीनों पार्ट पर काम करता है, कंटिन्यूसली काम करता है विदाउट एनी रेस्ट, और एवरी लेवल पर काम करता है, तीनों लेवल पर काम करता है। And now every manager has to supervise, guide and motivate and communicate with his subordinates to get things done. और हर लेवल के मैनेजर को अपने सबॉर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना होता है, गाइड करना होता है, उनके वर्क को मोटिवेट करना होता है जिससे कि अपने वर्क को वो इफेक्टिवनेस के साथ, एफिशिएंसी के साथ वो वर्क को करते रहें। द टाइम स्पेंड इज द डायरेक्टिंग इज comparatively more at operation level of the management and directing take place whereas supervisor subordinate relations as it is. And fourth one is directing flow from top to bottom. Directing का मतलब जैसे कि मैंने अभी previous heading में आपको बताया कि किसी भी organization को 3 parts में divide किया जाता है, top, mid and bottom. तो directing का जो flow रहता है, directing का जो process रहता है, वो top to bottom रहता है, top to bottom. This is the process of descending order, top to bottom. But at the time of reporting, this is the process of ascending order. Normally होता क्या है कि जब किसी organization में directing flow आता है तो top to bottom होता है। किस तरीके से board of meeting करते हैं, तो top level से meeting की जाती है, top level को instructions दिए जाते हैं कि उनको work किस तरीके से कराना है, top level mid level को instructions देता है कि काम कैसे कराना है, और mid level बॉटम लेवल को इंस्ट्रक्शंस देता है कि काम कैसे करना है। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर, फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये डायरेक्टिंग का प्रोसेस होता है। इसको हम यदि हम ऑर्डर की बात करें, ऑर्डरिंग की बात करें, तो ऑर्डरिंग भी सेम ही होता है। जैसे कि डायरेक्टिंग फ्लो है, इसी तरीके से ऑर्डरिंग फ्लो होता है। ऑर्डरिंग फ्लो भी आपका टॉप टू बॉटम चलता है। टॉप लेवल ऑर्डर देगा मिड लेवल को, मिड लेवल ऑर्डर देगा आपका बॉटम लेवल को, और जब इसका वर्क डन हो जाएगा, टाइम टू टाइम वर्क हो जाता है, तो फिर इसकी रिपोर्टिंग चालू हो जाती है। रिपोर्टिंग बॉटम से मिड लेवल पर की जाती है, मिड लेवल से टॉप लेवल पर रिपोर्टिंग की जाती है। दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस। एंड डायरेक्शंस आर गिवन बाय द मैनेजर्स टू देयर सबॉर्डिनेट्स। एवरी मैनेजर कैन डायरेक्ट हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट्स एंड टेक डायरेक्शंस फ्रॉम इमीडिएट बॉस। डायरेक्टिंग स्टार्ट फ्रॉम टॉप लेवल एंड फ्लो टू लोअर लेवल। नेक्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। डायरेक्टिंग का मतलब कंटिन्यूस वर्क करना होता है, अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी होता है। डायरेक्टिंग इज़ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फंक्शन, ये आपका जो डायरेक्टिंग है ये ओरिएंटेड फंक्शंस भी होता है, ओरिएंटेड भी किया जाता है। द मेन मोटिव ऑफ डायरेक्टिंग द ब्रिंगिंग एफिशिएंसी इन परफॉर्मेंस। नॉर्मली क्या होता है कि डायरेक्टिंग टाइम टू टाइम, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि सुपरविजन करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, वो टाइम टू टाइम इसीलिए करते हैं कि जो वर्क किया जा रहा है, जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो इफेक्टिव हो जाए। कहीं भी हमें कैजुअल एटीट्यूड किसी का दिखाई देता है, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देखा जाता है, तो वहाँ पर हम टाइम टू टाइम गाइड करते हैं उनको जिनसे कि वो इफेक्टिव हो, बूस्टअप करते रहते हैं उनको उनके परफॉर्मेंस के लिए। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन एलिमेंट, एंड आवर डायरेक्टिंग फंक्शन इन्वॉल्व स्टडी एंड मॉडलिंग टू ह्यूमन बिहेवियर। इट इम्प्रूव्स एंड आवर इंटरपर्सनल एंड इंटरग्रुप्स रिलेशनशिप। इट मोटिवेट एम्प्लॉय टू वर्क विद देयर बेस्ट एबिलिटी। देखिए, डायरेक्टिंग का पैरेलल बेस होता है आपका कम्युनिकेशंस, और कम्युनिकेशंस का पैरेलल होता है आपका एचआर। एचआर का मेन बेस होता है आपका बिहेवियर।
कहने का मतलब ये कि जब किसी को काम किसी से किसी वर्क को कराया जाता है तो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ऑर्डर भी एक मेन रीज़न होता है। कहने का तरीका, काम कराने का तरीका क्या है, वो आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट से किस तरीके से ऑर्डर दे रहे हैं, किस तरीके से आप उनसे वर्क कराना चाहते हैं। तो ये था आपका फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्शंस फंक्शन। इसके बाद आ जाता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन। इम्पोर्टेंस यानी कि डायरेक्टिंग फंक्शंस की इम्पोर्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से होती है, कैसे कैसे होती है, ये हम बताएंगे। जैसे एक बॉडी को रन करने के लिए, बॉडी को मूव करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से किसी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग के बिना कुछ भी नहीं हो पाता है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस टू इनिशिएट एक्शन, ये हेडिंग स्टिल एक बार रिपीट हुई, इनिशिएट एक्शन। द एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ओनली व्हेन दे गेट इंस्ट्रक्शंस एंड द डायरेक्शंस फ्रॉम देयर सुपरवाइजर। कोई भी काम किया जाता है तो अंडर सुपरवाइजर किया जाता है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर सुपरवाइजर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसी के तरीके से काम कराया जाता है। सुपरवाइजर अपने सबॉर्डिनेट्स यानी कि वर्कर्स को ऑर्डर देता है जिससे कि वो काम कराए, और वो केवल काम जो करेंगे उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग करें, उनके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करें। इन द डायरेक्टिंग फंक्शंस द सुपरवाइजर डायरेक्ट द एक्शंस ऑफ एम्प्लॉय टूवर्ड द एन अ प्री डिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मली अपने गोल को अचीव करने के लिए वो वर्क करते हैं और प्री प्लान करते हैं उसको काम किस तरीके से कराया जाना है। इफ़ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज एग्जीक्यूटिव सक्सेसफुली देन इज रिजल्ट इज इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस एंड अचीवमेंट ऑरिएंटेशन गोल। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट्स। यदि मैं इसको कहूँ इंडिविजुअली और एम्प्लॉयज एफर्ट्स तो ये भी चलेगा आपका। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर एक कैंडिडेट का इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होना ही ज़रूरी नहीं होता है, जब तक पूरी टीम इफेक्टिव और एफिशिएंट वर्क ना करे। तो एम्प्लॉय को अपना एफर्ट्स खुद लगाना होता, अपनी क्वालिटी के साथ काम कराएगा काम करना होता। एंड अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन, एक डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग के लिए मोटिवेशन का क्या मीन होता है ये देखिए। And now directing functions does not mean giving order only, but through directions and instructions the supervisor try to motivate the employee to perform to their best ability. Motivation का मतलब होता है बूस्ट अप। जब कोई एम्प्लॉय किसी प्रोडक्शन पर, किसी वर्क पर, किसी प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर उसके वर्क को सुपरवाइज करता है, और सुपरवाइज करने पर उसको टाइम टू टाइम मोटिवेट करता है, और टाइम टू टाइम मोटिवेट और डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस के साथ यदि मोटिवेशन भी मिल जाता है तो वो अपने वर्क को और ज़्यादा इफेक्टिव करता है, एफिशिएंसी के साथ काम करता है। और जब वर्क आपका एफिशिएंट और एफिशिएंसी के साथ पूरा होता है तो उसका जो ओरिएंटेड गोल है वो ऑटोमेटिकली अचीव कर देता है। बट एंड डायरेक्टिंग फंक्शंस डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोइंगनेस एंड इंक्रेज एम्प्लॉय टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। नेक्स्ट वन इज बीइंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग फंक्शंस किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करता है, उसके प्रोडक्शन में, उसके वर्क एफिशिएंसी में बैलेंस करता है। जब तक उसकी टीम को, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, टॉप मिड एंड बॉटम, और डायरेक्टिंग पे तीनों ही आपके लेवल आपके डिपेंड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल आपका बैलेंस करती है, और बैलेंस इन 3 लेवल को बैलेंस करता है डायरेक्टिंग, बैलेंस करके चलता है आपने इसको। द डायरेक्टिंग फंक्शंस ट्राई टू कैरी बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शंस। जैसे कि मैंने प्रीवियस हेडिंग में आपको बताया, डायरेक्टिंग ऑर्डर जो होता है आपका वो आपका डिसेंडिंग होता है, बट ऑर्डरिंग कॉन्सेप्ट जो होता है वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये जो आपका ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन भी आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जब तक आप डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तो आपको ऑर्डरिंग का लेवल पता नहीं लगेगा। जब तक आप किसी को वर्क नहीं बताएंगे तब तक वो आपको रिपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब तक आप किसी को ऑर्डर नहीं देंगे तब तक वो वर्क कैसे करेगा, और यदि वर्क नहीं होगा तो रिपोर्टिंग नहीं होगी, और रिपोर्टिंग नहीं होगी तो बैलेंस कहाँ हो गया। तो इसलिए बोला गया कि डायरेक्टिंग द वेज बैलेंस ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन।
इसके बाद है आपका फैसिलिटेट चेंज. जनरली द एम्प्लॉई हेजिटेट इन एक्सेप्टिंग द चेंज बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शंस एंड चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली एज वे बाय गिविंग डायरेक्शंस द सुपरवाइजर गाइड द सबॉर्डिनेट्स दैट द चेंज आर बेटर फॉर देम ऑल्सो. नॉर्मली होता क्या है, कभी कभी हमें अपनी रूल्स रेगुलेशंस को काम कराने के तरीके को अपनी जो प्लान है उसको चेंज करना पड़ता है. और जब चेंज करते हैं वर्क ऑफ मोड ऑफ वर्क यदि हम चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वर्कर्स होते हैं जो बॉटम लेवल के होते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी होती है. वह प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए ही आप उनको बुस्टअप करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं और मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो अपने काम को पूरा कर सकें और जो ये चेंज हुआ है उसको एक्सेप्ट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कंपनी इज प्लानिंग इन द कंप्यूटराइज इट्स वर्किंग जनरली द एम्प्लॉयज हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट एज दे आर नॉट अवेयर टू द टेक्नोलॉजी. नॉर्मली क्या है कि कहीं यदि मान लीजिए प्रोडक्शन किसी मशीनरी वेस्ट हो रहा है या हैंडमेड वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, यदि वहाँ पर कंप्यूटराइज वर्क होने लगे तो वहाँ के एम्प्लॉई हेजिटेट होंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नॉलेज नहीं रखते हैं, ऑपरेटिंग नॉलेज नहीं रखते हैं, उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं. तो वहाँ पर क्या होगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शंस दिया जाना चाहिए कि उस टेक्निकली अवेयरनेस के साथ काम कैसे किया जाना चाहिए, वो बताया जाना चाहिए, बूस्टअप करें, मोटिवेट करें, उनको उसकी अहमियत समझें, तभी तो वो बात करेगा. यदि उसको नॉलेज नहीं होगी तो वो वर्क कैसे करेगा, प्रोडक्शन कैसे करेगा. तो वहाँ पर लैक ऑफ वर्किंग हो जाएगा, लैक ऑफ प्रोडक्शन होगा, लैक ऑफ प्रोडक्शन होगा तो रिपोर्टिंग लैक करेगी, रिपोर्टिंग लैक करेगी तो जो आपका गोल है, जो अचीव गोल है, गोल को अचीव करना है वो लैक करेगा आपका. तो यहाँ उसकी जो फैसिलिटेट चेंज है उसको वहाँ पर उसको मोटिवेट करना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, बुस्टअप करना चाहिए कि वर्क कैसे करना है और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी देना चाहिए. तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. आई होप ये जो मैंने आपको बताया, एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, फीचर्स मैंने आपको डायरेक्टिंग के बताए, इम्पोर्टेंस मैंने आपको बताए, ये आपकी समझ में आएगा. यदि कोई प्रॉब्लम आपको होती है इन दोनों टॉपिक में तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस करें. अभी एक वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके सामने पेश आते हैं. थैंक यू.